तो बलून के थ्रू आप स्पाइस को छोड़ो, चाइना अब एक और तरीके से यूएस और कनाडा के ऊपर स्पाइस कर रहा है। देखिए रिसेंटली कैनेडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन लिमिट के को अंजाम दिया, जिसके दौरान चाइना को आर्कटिक एरिया में चाइनीज बॉयज तैरते हुए मिले। क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और आर्कटिक में न्यू वाटर वेज खुल रहे हैं, और चाइना 2018 में ऑलरेडी पोलर सिल्क रोड की बात कर चुका है, जो चाइना को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का डायरेक्ट एक्सेस दे सकता है। मलक्का स्ट्रेट, स्विस और पनामा कैनाल जैसे पॉइंट पर चाइना की डिपेंडेंस कम कर सकता है। साथ ही ये आर्कटिक रूट चाइना के लिए यूरोप तक के शॉर्टेस्ट रूट साबित हो सकते हैं। और रिसेंटली चाइना ने आइस ब्रेकिंग फ्लीट एक्सपेंड किया, तो आर्कटिक में स्वीपिंग करके चाइना यहाँ के सी फ्लोर को मैपिंग कर रहा है, जो सबमरीन की ऑपरेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम हिपोक्रेसी की डेफिनेशन को देखें तो कुछ नैतिक मानदंड और व्यवहार का ढोंग रचना, पाखंड, मिथ्याचार, यह परिभाषा आप चाइना के संदर्भ में सत्य साबित होते हुए देखते हैं। देखिए चाइना ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध को रोकने के लिए एक 12 पॉइंट प्रपोजल दिया। इसका पहला बिंदु है रेस्पेक्ट द सोवरेंटी ऑफ ऑल कंट्रीज, और चाइना डेली बेसिस पर ताइवान और साउथ चाइना सी में अपने दिए गए इस बिंदु को विड्रॉ करता है। लगभग हर महीने चाइनीज जेट ताइवान के एयर स्पेस में प्रवेश करते हैं और ताइवान की प्रभुसत्ता को चैलेंज करते हैं। और साथ ही क्या चाइना ताइवान की स्वतंत्रता मानने को तैयार है? नहीं। इसके अलावा साउथ चाइना सी में चाइना 9 डैश लाइन के थ्रू मलेशिया, ब्रुनेल, वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। साथ ही हमारे बॉर्डर्स, इंडिया के बॉर्डर्स पर भी चाइना एलएसी के अलोंग लैंड ग्रैबिंग करने की कोशिश कर रहा है।